हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्कल चैप्टर, जो कि क्लास 10th से रिलेटेड होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। इट मींस कि सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी यूज किए जाते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और फिर जो भी थ्योरम्स या फिर क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल। तो आप ऐसा फिगर देखे होंगे, सर्कल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ओके, और इसमें एक सेंटर होता है। मान लेते हैं इस सेंटर को ओ से, आप किसी भी मतलब कि अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंटर को। वैसे नॉर्मली जो है ओरिजिन उसको कहते हैं या फिर सेंटर कहते हैं, इसलिए हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन इट मींस ओ। ओके, ऐसा करके कुछ है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि ये सर्कल होता क्या है। तो सर्कल नॉर्मली अगर आप देखें तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसमें किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, देखिए मैंने क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इट मींस कि देखिए एक, या फिर मैं दूसरे मार्कर से आपको रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारा कलेक्शन है ना। और ये तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें गैपिंग क्रिएट कर रहा हूं, लेकिन अगर बहुत हम लोग सामने सामने अगर सबको रिप्रेजेंट करें तो ये एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेगा। एक कंडीशन यहां पर ये दे दिया जा रहा है कि दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर्कल किसे कहते हैं और वो जो फिक्स्ड पॉइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूं, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा है। ओके, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं 10th के अकॉर्डिंग देखूं तो बस वहां पर क्या है, वहां पर आपको बस दे दिया गया है सेगमेंट, सेकेंड, टेंजेंट, बस यही सब है। मतलब मेन सेगमेंट हो गया, सेकेंड हो गया, टेंजेंट हो गया, सेक्टर हो गया, तो ये सब है। ठीक है, लेकिन हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो एक यहां पर रेडियस आता है। ठीक है, और रेडियस को भी समझने से पहले आप कॉर्ड समझो। ठीक है, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कॉर्ड। कोई भी दो पॉइंट आप ले लो सर्कल पर जो हो। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ पॉइंट मैं बोला तो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को आप ले लो। अगर मैं ये दो पॉइंट को ले लेता हूं तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, चलो मैं यहां मान लेता हूं इसको। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों पॉइंट को एक मान लेते हैं ए और दूसरा है बी, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। कॉर्ड किसे कहेंगे, तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखिए अगर ये कॉर्ड सेंटर से अगर पास कर जाए, जैसे देखिए दो पॉइंट एक मान लेते हैं यहां और एक इधर मान लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों को ज्वाइन करने के क्रम में अगर ये सेंटर से पास हो जाए, मान लेते हैं ये सी और ये डी। ठीक है, तो सी और डी क्या है, ये भी एक कॉर्ड है, बिकॉज दीज आर टू पॉइंट्स और ये दो पॉइंट्स के बीच में ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। बट एक कंडीशन यहां पर ये भी है कि दिस लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू सेंटर, और अगर सेंटर से वो पास कर रहा है, इट मींस क्या, इट मींस कि इसको हम लोग क्या कह देंगे, डायमीटर कह देंगे। ठीक है, ये क्या क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया और ये मान लेते हैं ई, तो यहां पर जो ओई हमारा है वो क्या कहलाएगा,
रेडियस कहलाएगा। रेडियस क्या हो रहा है, देखिए सेंटर से किसी भी पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लेते हैं ये हम ले लिए तो OF, तो यहां पर OF भी क्या है, OF भी क्या है हमारा रेडियस ही है, ठीक है, OF भी क्या है रेडियस है, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओके। अब देखिए अगर यही अगर प्लूरल फॉर्म अगर देखें तो रेडियाई, इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस इज कॉल्ड रेडियाई, ठीक है, रेडियाई यूज करते हैं, बहुत सारा अगर रेडियस होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, रेडियाई कह देंगे। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, पहले तो हम लोग देखे सर्कल क्या होता है, सेंटर किसको कहते हैं, फिर कॉर्ड क्या है, डायमीटर किसको कहेंगे और रेडियस क्या होगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन, इन दो के बीच में रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, ठीक है। देखिए ये सब आप कवर कर चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग वही सेक्टर, सेगमेंट, सेकेंड, टेंजेंट, इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बस बेसिक मैं बतला दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए तो अगर ये ओ और डी, ये डिस्टेंस भी तो आर ही होगा ना, रेडियस ही होगा ना, और ओ सी भी क्या होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। अब CD क्या था, CD हमारा क्या था, CD इज D, D मतलब डायमीटर, D मतलब क्या, डायमीटर, ठीक है। ये अगर डायमीटर है तो जाहिर सी बात है CD इज इक्वल टू क्या होगा, OC प्लस OD, और CD के जगह पे अगर हम लिख दें D तो OC इज इक्वल टू R एंड OD इज ऑल्सो इक्वल टू R, देन D इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R, और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू D बाई 2, तो ये एक रिलेशन हमारा हो गया, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए आर्क के बारे में बात करेंगे, आर्क क्या होता है, तो एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है, क्या, तो आर्क के बारे में अगर हम देखें, आर्क तो ये आर्क क्या होता है, तो आर्क एनी पार्ट, कोई भी पार्ट आप ले लो सर्कल का, ठीक है, यहां से यहां तक ही आप लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर्क कहलाएगा, मतलब ये सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ये सर्कल का पार्ट है, और सर्कल का अगर पार्ट है तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल। इसमें भी क्या है, दो पार्ट में बट जाता है, एक तो माइनर आर्क हो जाता है और दूसरा क्या होता है, मेजर आर्क होता है, माइनर आर्क एंड सेकेंड वन इज क्या, मेजर आर्क। तो माइनर और मेजर में क्या, तो अगर छोटा आर्क होगा तो देखिए अगर यहां पर मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं पी है, सीपी, तो सीपी क्या है, ये छोटा सा आर्क है तो इसको हम माइनर कहेंगे, लेकिन अगर पी और सी ले लें, ये पूरा ये वाला पार्ट ले लें, पी डी ई बी ए सी, ये पूरा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। आई थिंक ये भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर के बारे में और उसके बाद सेकेंड देखेंगे, ठीक है। तो सेक्टर पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, सेक्टर के बारे में, मैंने क्या बोला, सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो सेक्टर के बारे में हम अगर देखें तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर एक रीजन होता है, ठीक है, एक रीजन होता है, एक रीजन, और वो किससे बाउंडेड होता है, रीजन विच आर बाउंडेड बाय, विच आर बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। जैसे कि अब इसको अगर मैं इरेज कर दूं और ये दोनों को मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये एफ था और ये ई था, ठीक है। अब देखिए तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये अगर पार्ट बन रहा है तो ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेक्टर, मतलब एन एरिया या फिर अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। अगर इससे जो रीजन बाउंड करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो हम सिंपली क्या है यहां पर लिख देते हैं, टू रेडियस एंड एन आर्क, एरिया बाउंडेड बाय यहां या फिर रीजन,
यहां पे हम लिख देते हैं रीजन बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क। ठीक है, सिंपल सा है, बस मुझे समझाना है। ठीक है, डिफिनेशंस, सारे डिफिनेशंस आपको आपके बुक में मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत होगा समझने में या फिर कुछ। आपको अगर समझ आ रहा है, जैसे देखिए समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर यहां पर आपको समझ आ रहा है तो बुक में सारा डिफिनेशंस आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। तो चलिए अब सेगमेंट देख लेते हैं और सेगमेंट के बाद फिर सेकेंड पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट भी क्या होता है, रीजन एक होता है। ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय, और ये किससे बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क, कॉर्ड एंड एन आर्क। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये हम कॉर्ड एक ड्रॉ किए, तो इस कॉर्ड और ये आर्क से, ये एक आर्क है, तो इन दोनों से ये जो रीजन बाउंड कर रहा है, ये जो रीजन बन रहा है, दैट रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये आप अभी देखिए सेक्टर और दूसरा हमारा पॉइंट था क्या, सेगमेंट। अब हम लोग आपके अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग देखिए, मेरे पास आपका बुक भी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका बुक रहा मेरे पास है ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब चलते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब हमारा एक पॉइंट तो आ रहा है सेगमेंट, सॉरी सेकेंड है ना, सेकेंड है। तो सेकेंड और टेंजेंट ये दोनों मतलब मिला जुला है, लेकिन क्या डिफरेंस है तो वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आप एक सर्कल ले रहे हैं, सर्कल का ये सेंटर हो गया ओ, अगर कोई एक लाइन पास करता है सर्कल से और इस सर्कल को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेगमेंट, सेकेंड कहेंगे, नॉट सेगमेंट, उसको क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे। ठीक है, अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो सेकेंड, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो टेंजेंट। ठीक है, जैसे कि अगर ये जो हमारा हो तो इसको क्या कहेंगे, ये सेकेंड हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक लाइन ऐसे पार किया हुआ हो जो कि एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, सॉरी टेंजेंट कहेंगे, नॉट सेगमेंट, मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, सेगमेंट। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो सेकेंड, और अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट। ठीक है, देखिए यहां पर डिफिनेशंस आई थिंक आपके हाथ में ये बुक होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इस बुक को, यहां पर गिवन है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर टेंजेंट की बात करें, इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, टेंजेंट है। इसके बाद हमारा पॉइंट जो है वो टेंजेंट है। टेंजेंट में क्या दिया है, अ लाइन मीटिंग अ सर्कल ओनली इन वन पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर मीट करने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। देखिए एक नोट करके नीचे ऑप्शन, एक नोट करके मेंशन किया गया है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, ये एक स्पेशल केस है सेकेंड का। ठीक है, when the two end point of its corresponding chord coincide, ठीक है, अगर दो पॉइंट corresponding chord का अगर एक दूसरे को coincide, जाहिर सी बात है ये एक special case है second का, normally आप इतना समझ लीजिए ना। देखिए उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है number of tangent to a circle, कितने नंबर, वैसे तो कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं टेंजेंट इसके विषय में, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट्स जो है वो थोड़ा अलग है। पहला अगर पॉइंट आप देखेंगे, मैं यहां से आपको समझा देता हूं, या फिर अगर थोड़ा बहुत आई थिंक पीछे वाला भी टॉपिक अगर नहीं समझा तो मैं उसको भी समझाता हूं आपको। पहला जो पॉइंट है वो यहां पर है, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इन साइड द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर मान लेते कोई पॉइंट है, मान लेते ये पी, तो ये यहां से, जैसे कि हम लोग अभी क्या बात किए कि किसी एक पॉइंट को मीट करने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो अंदर की किसी पॉइंट को मीट करेगा, ठीक है, वो अंदर के पॉइंट को नहीं मीट करेगा, तो देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इन साइड द सर्कल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल, ठीक है, केवल एक ही, वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल, सर्कल पे कोई अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है,
आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। देखिए सिंपली है, आप अगर ऐसे कर रहे हैं, अब आपके मन में जैसे कि ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं यहां पर, ये एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन को ड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइन या सारे लाइन एक को छोड़ करके आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि अधिकांशतः लाइन जो है, अधिकांशतः या सारे आप कह लो, ठीक है, केवल एक को छोड़ करके वो क्या है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे यहीं से आप अगर दूसरा अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर एक और ड्रॉ कर दो तो ये तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद दे रहा है थर्ड पॉइंट पे, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन साइड अ सर्कल। इतना अभी ये जो मैंने स्टेटमेंट रीड करा, इसका मतलब ये कि अगर कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, कोई भी पॉइंट आप ले लो, चलो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं और एक पॉइंट पी ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि दो पॉइंट, दो टेंजेंट हो सकते हैं, टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, मतलब कि इन द फिगर, जैसे यहां पर क्या दिया जा रहा है, पी टी एंड पी टी डैश आर टू टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, मतलब किसी भी एक पॉइंट जो कि बाहर में हो, सर्कल के आउटसाइड में हो, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल हो, वहां से केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये पॉइंट है तो यहां से एक और ये दो, इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। उसके बाद लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, तो अगर आप ये पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल जो लिए हैं, उस पॉइंट से जहां पर, जिस पॉइंट पर इसका कॉन्टैक्ट हो रहा है सर्कल के साथ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। तो यहां पे डेफिनेशंस आप देख लो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट पी से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट कहेंगे। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया। और देखिए मैं यहां पर लिख भी सकता था, ठीक है, सारे को मैं डिटेल में लिख देता, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास एनसीईआरटी में भी डेफिनेशंस वगैरह होता है, सारे बुक में, मोस्ट ऑफ द बुक में आपको एक्यूरेट डेफिनेशंस मिल जाएगा, और जो मैं बोल पा रहा हूं उससे बेहतर डेफिनेशंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं बस यहां समझा रहा हूं आपको, आप यहां से समझ लो, अगर डेफिनेशंस का यूज है तो आप वहां से लिख लो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम है। और देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो आप डिफाइन भी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हमारा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्कल से रिलेटेड था वो तो हमने कवर कर दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो कि आप नाइन्थ में पढ़े होंगे, सर्कल चैप्टर नाइन्थ में भी पढ़े हैं आप, और वहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स वहीं पर हैं, अधिकांशतः थ्योरम अगर देखा जाए तो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड वो आपको नाइन्थ वाले सर्कल, मतलब सर्कल जो चैप्टर है नाइन्थ का, वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको उन थ्योरम्स को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्कल चैप्टर का एक प्लेलिस्ट नाइन्थ का बनाया गया और एक टेंथ का, तो आप नाइन्थ में जाकर के उस वीडियोज को देख सकते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपको अगर कोई ऐसा इशू लगता हो कि इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।